कोटा के किशोपुरा थाना क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी स्थित रेडीमेड कपड़े के 3 मंजिला गोदाम में रविवार शाम 5 बजे करीब आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकलों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, जो देर रात 8 बजे बाद तक भी जारी था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग मकान की 2री व 3री मंजिल में लगी। सूचना पर निगम की दमकलें मौके पर पहुंची, लेकिन मकान में 2री व 3री मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं होने से लेडर मशीन मंगवाई गई। मकान में जाने का एक ही रास्ता था और आग की वजह से सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते थे। ऐसे में लेडर मशीन की मदद से 3री मंजिल पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया, जो देर रात 8 बजे बाद तक भी जारी था। रेडीमेड व्यापारी दिनेश अंबानी ने मकान को ही गोदाम बना रखा था। दिन में भी बजरंगंगा स्थित फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई थी। मुझे याद नहीं है, करीब अभी से 1.5 घंटा पहले लगी है। मैं अच्छा भला काम कर रहा था, काम करके मैं अपनी शॉप पे गया हूँ। वहाँ पे पड़ोसी का फ़ोन आया कि भाई आपके गोदाम पे आग लग गई। मैं तुरंत जो है भाग के अपनी गाड़ी पे वापस ही आया और देखो तो आग लगी है। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया तो यहाँ व्यवस्था बनी है। बाकी फायर ब्रिगेड वालों से थोड़ी सी हमारे शिकायत रही कि थोड़ा लेट आए, आने के बाद भी व्यवस्था बनाने में करीब करीब इनको आधा घंटा लगा। कहाँ का गोदाम है? होजरी आइटम का अंडर गारमेंट्स का काम है मेरा। किस नाम से है? श्री अयोम सेल्स मेरी फर्म। तो ये ऊपरी मंजिल पे लगी है, नीचे से ऊपर गई? सर ऊपर मंजिल पे लगी है, पहले ऊपर से नीचे आई। कहीं से क्या कारण है? कारण अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता सर। किसने सूचना दी थी आप? सूचना हमारे पड़ोसी ने दी है, हालांकि हमारे वर्कर यहाँ काम भी कर रहे थे सर। सूचना हमारे पड़ोसी ने दी है, उनको पता लगा पहले, क्योंकि ऊपर से जो आग लगी तो धुआं ऊपर ही जा रहा, हमें किचन को पिलर को पता नहीं लग पाया। तो कुछ लोग थे क्या उसमें जिस समय आग लगी? हाँ सर, 2 वर्कर थे हमारे पास। तो वो निकाल लिए? नहीं, सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या फायर फाइटिंग सिस्टम है आपके यहाँ? नहीं सर। कितनी बिल्डिंग है ये? कितना मंजिला है? 3+3+3+3। आप क्या नाम है आपका? दिनेश अंबानी। थर्ड फ्लोर पर आग लगने की सूचना थी। इस पर घर के लोगों को अपना काम कर रही है, लगातार गाड़ियाँ आ रही है, लगातार इसको बुझाने का प्रयास कर रही है। आग अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है। कितनी देर में दमकल पहुंची मौके पर? मौके पर सूचना के बाद कितनी देर में दमकल आई है? जैसे हमने सूचना कर दी थी वहाँ से रवाना हो गई थी। फायर फाइटिंग है क्या इसमें? फायर फाइटिंग